गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक नई रेसिपी ट्राई करूंगी, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वो रेसिपी कैसी लगी है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही प्रेरणा देते हैं नई नई वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करिए। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ पोहा से बनती है। पोहे को मैं भिगो के धो के इसको भिगो के रख दी हूँ, ये देखिए। और इसमें डालूंगी मैं उबली हुई आलू। तो ये एक नई रेसिपी है, और अभी ये कैसे बनेगा मुझे भी नहीं पता। अगर अच्छा बना तो इसको फिर से बनाएंगे, और अगर खराब बना तो ये लास्ट टाइम रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है ये। सबसे पहले मैं चिवड़े को धो के उसको अच्छे से धो ली थी, और उसको 10 मिनट के लिए रख दी थी जिससे वो फूल जाए। फिर उसमें मैं मसाले डाल दे रही हूँ। मसाले ये डेली वाले मसाले ही हैं। आधा चम्मच उसमें मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। और इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार डालिए। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बनाना हो तो। तो मैं इसमें बारीक बारीक हरी मिर्च काट के डाल ले रही हूँ। आलू मैं बॉईल कर ली थी और उनको अच्छे से मैश कर ली हूँ। अब मैं डाल दूँगी इसमें आलू मैश किए हुए, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हाथों से मिक्स करने से और भी अच्छे से मिक्स होते हैं। हाथों से इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जैसी तरह से आटे का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से इसको कर लेंगे। बिल्कुल ये देखिए। इसके बाद मैं लगाऊंगी तेल हाथों में, और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके इसको गोल बॉल की तरह से बनाएंगे। फिर उसके बाद इसको हल्का सा दबा के इसको टिक्की का आकार दे देंगे। आप इसको अगर डीप फ्राई करेंगे तो आप इसको गोल गोल बॉल जैसा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ तो इसीलिए मैं इसको टिक्की जैसा आकार दे रही हूँ। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। इसी तरह मैं सभी टिक्की बना ली हूँ, अब इनको मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। तवा अच्छे से गर्म हो गया, मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर दूँगी। यहाँ पे मैं तेल इस पे तवे पे 2-3 चम्मच तेल डाली हूँ, जिससे कि टिक्की जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, और सभी टिक्कियों को इसी तरह से तवे पे डाल देंगे। 10 मिनट हो गया है, टिक्की एक को हम पलट देंगे और इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इस पर मैं और भी थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाल दे रही हूँ, जिससे कि दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए एक तरफ से ये क्रिस्पी हो गया है, कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसका। सभी टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई है। अब चलते इनको फाइनल लुक देने के लिए। मैं ले ली हूँ 1 कटोरी में दही, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ दही को। और 1 कटोरी में मैं टिक्की रख ले रही हूँ, 3 से 4 टिक्की में रखी हूँ, और इसके ऊपर मैं दही डाल दे रही हूँ। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और चाट मसाला पाउडर 1/2 चम्मच डाल दे रही हूँ। और इस पे थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी मैं डाल दे रही हूँ चीनी। और मेरी टिक्की तैयार है, ये देखिए यम्मी यम्मी टिक्की। जब भी आपका चटपटा खाने का मन हो तो इसको ज़रूर से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं भी इसे दोबारा ज़रूर बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में, मेरा डेली का जो काम होता है वो। और सिद्धांत भी यहाँ पे कुछ अपने पापा के साथ मिलके बना रहा है, ये देखिए। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बना रहे हैं, लेकिन अब समझ में आया कि ये लोग मदर्स डे का कार्ड बना रहे हैं मिलके, यहाँ पे रूम में बैठ के, जिससे कि कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, कोई देखे नहीं, पर सरप्राइज है। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा। जब ये सिद्धांत मुझे कार्ड दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे खुशी मिली। तो सुबह से ये लोग यही बना रहे थे, तो बहुत। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।